गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3 द इनोरमस टर्निप। इनोरमस का मीनिंग होता है बहुत बड़ा और टर्निप का मीनिंग होता है शलगम। अभी पिक्चर में देख सकते हो, साइड में इमेज है उसमें आप देख सकते हो। अभी पढ़ते वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा व्यक्ति प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। टर्निप मीन्स शलगम, बड़ा बहुत बड़ा शलगम बीज। वो थोड़ा उसे खींचता है। द टर्निप सीड्स ग्रो, वो जो टर्निप सीड से वो बड़ा होता है, ग्रो करता है। तो टर्निप सीड्स ग्रो एंड ग्रो, वो अपने आप में ग्रो और ग्रो करता ही रहता है, डेवलप होता ही रहता है। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनोरमस टर्निप सेड द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति है उन्हें कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा इच्छता हूँ कि इनोरमस टर्निप है जो बहुत बड़ा शलगम है, उसे पुल अप यानी कि खींचता है। तो एक फर्स्ट पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो टर्निप सीड से वो बोता है और बाद में वो डेवलप होता है और वो खींचता है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन पुल्ड, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो खींचता रहता है। बट ही कुड नॉट पुल अप द इनोरमस टर्निप, बट वो पुल अप नहीं कर सकता, जो इनोरमस टर्निप है बहुत बड़ा शक्का में, उसे वो पुल अप नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं निकाल सकता। एन ओल्ड वुमन कैम, और वो ओल्ड वुमन, वुमन मीन्स स्त्री, तो एक ओल्ड वुमन आती है, कम का सेकंड फॉर्म है कैम। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनोरमस टर्निप सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा कि आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनोरमस टर्निप, मैं उसे पुल अप करना चाहता हूँ, जो इनोरमस टर्निप है जो बहुत बड़ा शलगम है, उसे मैं बाहर निकालना चाहता हूँ ऐसा। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमन, जो ओल्ड वुमन थी उसने कहा कि मैं आपको हेल्प करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड, तो अब दो हुए, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन, वो दोनों ही उसे खींच रहे थे। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनोरमस टर्निप, बट वो बहुत बड़ा शलगम था तो वो उन्हें भी पुल अप नहीं कर पाए दोनों मिलके भी। अब बॉय कैम, बाद में एक बॉय कैम, वो आप पे जैसा एक छोटा सा बच्चा आता है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनोरमस टर्निप सेड द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन थी उसने बोला कि ये हम लोग जो इनोरमस टर्निप है उसे पुल अप करना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सेड द बॉय, वो बॉय ने बोला कि मैं आपको हेल्प करूँगा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड, तो अब तीन हुए, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन और वो बॉय, वो तीनों के तीनों मिलके वो पुल्ड कर रहे थे, जो बहुत बड़ा शलगम था उसे तो वो निकलता ही नहीं था। आप पिक्चर में देख सकते हो, इमेज थी आप उसमें देख सकते हो। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनोरमस टर्निप, फिर भी वो उसे जो इनोरमस टर्निप है उसे वो पुल अप नहीं कर पाते थे। अ गर्ल केम, बाद में एक गर्ल आती है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनोरमस टर्निप सेड द बॉय, आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल, गर्ल आती है और वो तीनों कहते हैं कि वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनोरमस टर्निप, हम जो इनोरमस टर्निप है उसे पुल अप करना चाहते हैं। सेड द बॉय, ऐसा बॉय ने कहा, आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल, और गर्ल ने कहा कि मैं आपको हेल्प करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड, तो अब चार हुए,
कितने हुए? फोर, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। अब वो चारों के चारों मिलके वो पुल कर रहे थे, यानी कि खींच रहे थे। अब कैम द इनोरमस टर्ने, और वो जो इनोरमस टर्ने पे वो अपसाइड आ गया था, आप इमेज में देख सकते हो। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनोरमस टर्ने। वी, यहाँ पे वी यूज़ किया है लड़की, और वो बॉय था उसके लिए, और वो वुमेन थे। ओल्ड मैन तो वो काम कर ही रहा था, तीनों के लिए यूज़ किया है। शी इज द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। वो बोल रहे थे तीनों के तीनों कि जो इनोरमस टर्ने पे वो हमने आपको पुल करने में भी हेल्प की, तो हम उसे खाने में भी हेल्प करेंगे, खाएंगे भी साथ मिलकर। ऐसा तीनों ने कहा, ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल, एंड दे डिड। और उन्होंने ऐसा ही किया, हेल्प भी की और खाने में भी हेल्प की, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब देखते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड, न्यू वर्ड्स। इनोरमस का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, टर्निप का मीनिंग होता है शलगम, ओनियन के ऐसा कुछ होता है ऐसा। ओल्ड मैन का होता है बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा मैन। ओल्ड वुमेन का मीनिंग होता है बूढ़ी स्त्री। ओल्ड का मीनिंग होता है खींचना। थैंक यू, वी विल डिस्कस अबाउट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।